नमस्कार, आप देख रहे हैं तुम तक की YouTube चैनल, जहां एक बार फिर अफवाहों का बाजार बिलहरा में तेज हो गया। जहां जानकारी मिली कि बिलहरा में एक कोरोना का मरीज मिला है, लेकिन यह जानकारी सही नहीं है। लेकिन खिमलासा प्रभारी जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं पर बिलहरा के एक व्यापारी जो है अचानक खिमलासा में उससे मिला था। उस व्यापारी को अचानक पुलिस ने और प्रशासन ने उसके लिए घर पर क्वारंटाइन किया है, और वहीं पर बिलहरा में लोगों में खड़कंप थी कि बिलहरा में जो है कोरोना का मरीज पाया गया। ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यापारी मिला था, यह बात सत्य है, और व्यापारी के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है, उसके परिवार के लिए उसकी दुकान को बंद कर दिया गया है। और एक बार अफवाहों का जो बाजार गर्म था वो बिल्कुल शांत हो गया है। 14 दिन तक यह व्यापारी अपने घर पर ही रहेगा और इसका पूरा परिवार घर पर रहेगा, इसकी दुकान भी बंद रहेगी। लेकिन ऐसा कोई भी अभी मरीज बिलहरा में नहीं पाया गया है, यह बात सत्य है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभारी से मिलने के कारण व्यापारी को 14 दिन के लिए अपने घर पर रहना पड़ेगा। राकेश तिवारी की रिपोर्ट कल्लू खान के साथ। अंतर्गत एक व्यक्ति को जो सुना है कि जो TI के लिए कोरोना की पुष्टि हुई है उससे मिला ही, ये क्या मामला है? हमारे यहाँ का एक व्यापारी है, वो पिछले मंडे को जो TI साहब है हमारे विभाग के, जो जिनकी रिपोर्ट 2 दिन पहले पॉजिटिव आई है, तो हमें सुनने में आया था कि उनसे वो मिल के आया था 2-3 लगभग सोमवार को, ठीक है। तो उनको हमने उनको कॉन्टेक्ट हिस्ट्री में है वो, तो उसको ट्रेस किया, तो उससे पूछा गया, उससे पूछताछ की हमने कि मिल के आया, तो उसने बताया कि हाँ मिलने गया था। तो उसके परिवार को और उसके जो भी संपर्क थे ना, उनको हमने क्वारंटाइन करवा दिया है 14 दिन के लिए एहतियात के तौर पे। हालांकि बोल रहा था कि दूध से मिले, लेकिन फिर भी हमने उनको क्वारंटाइन करवा दिया। क्या नाम लिखते सर आप? मैं चौकी प्रभारी बिलहरा, शशिकांत गुर्जर।